अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जी हाँ नाज़रीन इकराम, देखिए कि कुर्बानी का मसला है ईदुल अज़हा के महीने में। जैसे कि आप जानते हैं 10, 11, 12 ये तारीख है कुर्बानी, जो साहिब निसाब है वो करते हैं, जो साहिब से निसाब नहीं है उन पर वाजिब नहीं। अगर कोई करा है तो नफली होता है, अदा हो जाएगी, लेकिन वाजिब नहीं होती, ये जहन रखी रखिए। आप कुर्बानी की वाजिबात क्या है? कुर्बानी के वाजिबात ये है, जो साहिब निसाब हो, 52 तोले यानी 52 तोला चांदी रखता हो और 7 तोले जो है सोना रखता हो, दोनों में से कोई एक है या इतनी रकम है उसके पास, तो उस पर कुर्बानी वाजिब होती है। और बच्चे का नहीं मिल्कियत है तो बड़े उससे पर अदा कर सकते हैं। और ये जहन नशे रखे, एक बकरा तो पूरे घर के लिए नहीं है, एक फर्द के लिए होता है। गाय में 7 हिस्से, बैल में 7 हिस्से होते हैं और ऊँट ऊँटनी में 7 हिस्से होते हैं, 7 फर्द के लिए होता है। बकरा, भेड़, दुम्बा, बकरी ये एक हिस्सा। भेड़ के बारे में है कि अगर 6 माह का है तो वो 1 साल के मुकाबले नज़र आता है, उसके लिए इजाज़त है 6 माह का जुबा कर सकते हैं। ऐसा जानवर जो साल भर के जानवरों में रखे तो वो 1 साल का नज़र आए। इस तरह की उम्र ये है कि जैसा कि बयान की गई थी, ऊँट ऊँटनी की उम्र 5 साल हो कम से कम और बैल की उम्र 2 साल हो कम से कम, बकरा बकरी भेड़ दुम्बा ये जो है ना 1 साल की। याद रहे जो नमाज से पहले कुर्बानी अदा करेगा तो नमाज से पहले कुर्बानी अदा करे नहीं है, बल्कि नमाज के बाद कुर्बानी देना है। जिसने नमाज से पहले जानवर ज़ुबा किया उसने अपने लिए गोश खाने के लिए कर लिया या वो अपने मकसद के लिए, तो कुर्बानी का मकसद नहीं होगा। अगर वो नियत रखा है तब भी जो है ना नमाज से पहले अगर कुर्बानी, हाँ जो हिस्सा मिलते हैं ऐसे अफराद के लिए जहन रखिए कि वो जो कस्सा वगैरह होते, जो जुम्मेदार उलमा वगैरह भी होते हैं आजकल के मदारिस के वगैरह, तो ये लोग नमाज पढ़ने के बाद ज़ुबा करते हैं तो वो आपका हिस्सा वहाँ पर बिल्कुल कुर्बानी में शामिल हो जाता है ज़ुबा, क्योंकि नमाज के बाद किया उन्होंने। तो इस तरह से जहन में रख किया ना, जहन रखिए ना कि बाद नादान अफराद ऐसा करते कि नमाज से पहले उजलत के कस्सा नहीं मिलेगा, पहले कुर्बानी कर दिया जाए बाद में नमाज पढ़े, तो ऐसा कुर्बानी नहीं होगी, जहन रखिए रखिए। और किस पर वाजिब है कुर्बानी? के जो साहिब निसाब हो मालदार, जैसे कि अभी बयान किया गया, इस पर मुसलमान हो, इस पर कुर्बानी वाजिब है। और किस पर नहीं? मुसाफिर है, मोहताज है, इस पर कुर्बानी वाजिब। क्या है? बेऐब हो, ऐबदार ना हो, सिंह टूटा है बहुत जड़ से टूट गया, दुम बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, 4-5 जो है ना हिस्से, इस तरह 5-6-7 हिस्से जो है इसमें टूटा हो, जख्मी हो, तो ये ऐबदार जानवर है, ऐबदार जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती, याद रखे। और जो भी मसले मसाइल है आप उनमा से रुजू होना चाहिए। और एक मसला ये, 3-3 फोन आ, 2-2 फोन है, कुर्बानी नहीं दे रहे, आप एक फ़ोन भेज दीजिए, आप कुर्बानी हिस्सा लीजिए, बकरा खा खरीदिए, क्योंकि वो ज़रूरत जैसे अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा होता है वो माल, लिहाजा इस तरह। और बहुत सारे मसाले अल्लाह तबारक व तआला फरहम फरमाए। और एक बात याद रखें, 7 तारीख, 7 ज़िलहजा, 8, 9, 10 इन अयाम में अपनी औलाद के लिए खुसूसी दुआ करें, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए दुआ फरमाई है, अल्लाह ने दुआ कबूल की है, अल्लाह ताला हम पर करम का मामला फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।